वो रहने वाले महलों की, महलों वाली रे। राज हमसे अलग नहीं होना चाहते, हम भी राज से अलग नहीं होना चाहते हैं। महलों वाले रे, ये हमारा घर है, हमारा राजमहल, और हम इस घर की रानी हैं। महलों वाले रे, आज राज के सारे किले शिखर दूर हो जाएंगे। क्या शिल्पा अब राज रानी के बीच में आएगी? अरे ऐसे कैसे बीच में लटका सकती है वो हमें? किसी ने सोचा इसका नतीजा क्या हो सकता है? भूल जाओ उस 5 लाख को, भूल जाओ। हाँ सर, मुझे पता है कैसे मुश्किल से एक एक दिन हो रहा है काटना। अरे समझाओ इस पागल बहन को। वैसे बता रहे क्यों समझाए, जब उसका दिल ही नहीं है तो क्यों करो जबरदस्ती? क्यों नहीं कर सकती जबरदस्ती? देखो तुम दोनों ने मुझे भरोसा दिलवाया था कि शिल्पा राज को अपने बस में कर लेगी। मैंने अपने ऑफिस में कह दिया कि बहुत जल्द 5 लाख रुपए लौटा दूंगा मैं। हाँ तो लौटा दो, जाओ लौटा दो। मैं तो पहले से ही कह रही थी ना उन दोनों की शादी करवाओ, लेकिन आप लोगों को तो 5 करोड़ आते हुए दिखाई दे रहे थे ना। अभी जिसके लिए कर्जा लिया ना, जाके उस पर गुस्सा निकालो। हाँ सुनो, तुम भी मुझे दो बातें, कोई मौका छूट ना जाए। सोचो सबकी भलाई के लिए, तुम तो अकेले दे दो, सब मिलकर मुझे फांसी दे दो। चुप कर, मैं जा तू भी किसी की बातें करता रहता है। पहले से इतनी परेशानी हो जाएगा, कोई ना कोई इंतजाम। जब से उस रानी ने दोबारा इस घर में कदम रखा है, उस घर में अशांति और नहुसत ही लेकर आई। भगवान कि तुम हो, सतावन साध्य सिद्धिरस्तु श्री भगवतः प्रणदता। सत्य की साधना करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान तुम हमेशा सत्य का साथ देते हो, तुम हमेशा सच्चे प्यार का साथ देते हो। रानी वापस आ गई, मुझे बड़ी खुशी है। अब तसल्ली हो गई, किसी के बुरे इरादे कामयाब नहीं हो सकते। अब राज और रानी के मिलन को कोई नहीं रोक सकता। तुम कितने अच्छे हो, पहले भी अच्छे थे। कैसे मन की बात कहूं मैं दुनिया की भाषाओं में? प्रेम कहां बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में? और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं, साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं। छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है, मिलजुल कर हम सुख दुख बांटे, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम, घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम।
बहुत इंतजार था तुम्हारी हाथों से बनी चाय पीने का। तो बुलवा लिया होता ना हमें पापा। बेटा चाहता तो बहुत था पर पापा हम आपको एक जोक सुनाएं। कहते हैं चाय और जोक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, सुनाएं? हाँ सुनाएं। एक टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि राम जी, कृष्ण जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड गांधी जी में क्या कॉमन था? हाँ? बताइए बताइए। गांधी जी, नेहरू जी, राम जी, कृष्ण जी में क्या कॉमन था? में क्या कॉमन है? स्टूडेंट जवाब देता है कि चारों के चारों हॉलिडे वाले दिन पैदा हुए थे। हे ईश्वर, अब रानी की हंसी कभी फीकी न पड़ने देना। हेलो। हाय पापा, हम बोल रहे हैं। रानी कैसी हो बेटा, कहाँ से बोल रही हो? अभी भी शालिनी के घर हो या? नहीं पापा, हम अपने ही घर से बोल रहे हैं। पापा, हमने अभी अभी पापा को मसाले वाली कड़क चाय पिलाई है तो आपकी याद आ गई। अरे वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हमें मसालेदार चाय पीनी हो तो तुम्हारे घर आना पड़ेगा। खुश हो ना बेटा? जी पापा, बहुत खुश है। पापा, हमारी खुशी तो आपको हमारी आवाज में सुनाई दे रही होगी ना? सुनाई भी दे रही है और छू भी रही है मुझे ठंडी हवा की तरह। राज कैसा है? ठीक है पापा। पापा थैंक्स। थैंक्स किस लिए बेटा? हमारे लिए, राज ऐसा जीवन साथी चुनने के लिए। खुश रहो बेटा। राज से कहना कभी आए मुझसे मिलने। जरूर कहेंगे, बाद में फोन करते हैं पापा। बाय बाय बेटा। रानी, डरता था बेटा कि राज के साथ रिश्ता हो जाने के बाद तुम कभी कोई शिकायत ना कर बैठो। तुम्हारा शुक्रिया सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारी खुशियों की दौलत हमेशा आबाद रहे। भगवान, किसने कह दिया तुझसे कि आकर फिर से बर्बादी मचाए मेरी रसोई में? और ये क्या, इतना सारा हलवा किस खुशी में बनाया है तूने? मम्मी जी, राज को हलवा बहुत पसंद है ना, इसलिए बनाया है। हमने खाना बना दिया है, आप देख लीजिए, हम पानी भर के आते हैं। खाना भी बना लिया है, आप देख लीजिए। एक तो वैसे ही मुंह का मजा खराब है मेरे, उस पर से इसके हाथ का जलावा खाना फिर खाना पड़ेगा। देखो तो महारानी ने हलवे के अलावा क्या बनाया है। अरे वाह, भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी भी है, काली दाल भी है, चटनी, रोटी, हलवा, खा के देखती हूँ।
लाओ मैं उठा लेता हूँ। नहीं अब से हम खुद कर लेंगे। आज तो रानी ने तुम्हारे पसंद का हलवा बनाया है। हलवा बनाया मनोज, तू भी खा के देखना। जी नहीं, मुझे नहीं खाना हलवा। यहाँ कुछ दिनों में जहर खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे और घर में हलवे बन रहे हैं। आरती जरा पानी लेकर आना। अच्छा। मम्मी जी, हम अभी दवाई लगा देते हैं। रहने दे तेरा नाटक। सॉरी मम्मी जी, दवाई लगा देती हूँ। जा यहाँ से। क्यों जाने देती उसको किचन में? हाँ नुकसान कर दिया ना, पैसे पेड़ में नहीं लगते। स्टॉप इट प्लीज। आप लोग इतनी छोटी सी चीज को लेकर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? तू चुप कर और जा अंदर। गाली में आटा गीला। दो पल का चैन नहीं है इस घर में। ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता यहाँ पर। अरे कहाँ से होगा नसीब बेटा? अरे कौन से दिल से खाना बनाती हमारे लिए? गालियां देती होगी जब पढ़ाती होगी तो। रानी तुम क्यों कर रही हो ये सब? मेरे समझ में नहीं आ रहा। जब तुम यहाँ सिर्फ 4 दिनों के लिए रहने आई हो तो क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? लेकिन राज, हम तो अपने क्यों? मेरे लिए चाय बनाना, मेरे कपड़े निकालना, नीचे से पानी लेकर आना, मेरा मनपसंद खाना बनाना, क्यों कर रही हो वो सब जो एक पत्नी करती है? क्यों मुझे अपनी आदत डाल रही हो जब तुम यहाँ से जाना ही है? हमें कहाँ जाने राज, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? आपने हमसे कुछ पूछा? हमने ऐसा कुछ कहा आपको? आपने कैसे मान लिया कि हम यहाँ पे सिर्फ 3-4 दिन के लिए? नहीं राज, हमने आपसे शादी की है, हम यहाँ आपकी पत्नी बनकर आए हैं, हम आपसे पत्नी होने के सारे हक मांगेंगे और पत्नी होने के सारे फर्ज भी निभाएंगे। आपने हमसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने ये मान लिया कि हम
बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने इन डिवोर्स पेपर से साइन कर दिया और हमें भिजवा भी दिए। राज, आपको क्या लगता है हमने जो अग्नि के साथ फेरे लिए, जो कस्में खाई इन पेपर्स पे साइन करने से वो टूट जाती है? नहीं राज, आज हम आपको अपने दिल की एक बात कहेंगे। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। शादी शादी नहीं।